तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं UK07 राइडर के बारे में। शायद UK07 राइडर बिग बॉस OTT में जाएंगे, उसी के बारे में उन्होंने रिसेंट ब्लॉग में कुछ ये कहा। नेक्स्ट सबाई क्या मचाने वाले हम लोग? बिग बॉस, बिग बॉस तो हो ही रहा है। बता देता हूँ गाइस, बिग बॉस बाबू भैया जा रहे हैं बिग बॉस फाइनल। शायद आप लोगों को पता होगा अभी UK07 राइडर केदारनाथ गए हैं, तो केदारनाथ में उनका शूज चोरी हो गया है जो कि बहुत महंगा था, उसी के ऊपर उनका रिएक्शन कुछ ये था। So guys, केदारनाथ जी के दर्शन तो हो गए थे हमारे, बट द थिंग इज हम लोगों ने अपने शू खोले थे यहाँ पर। मेरा जो नाइकी एयर है ना कलरफुल वाला, वो टपा दिया किसी ने। वो शूज ना बहुत महंगा यार, बहुत ज्यादा महंगा, एंड वो शू किसी ने टपा दिया यहीं पर खोल के रखा था। यहाँ पर कैमरा वैमरा भी नहीं है, सो अभी हम लोग बस कैमरा चेक कर रहे हैं। और नंगे पैर ट्रैवल करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, बहुत। मैं चला भी नहीं जा रहा मेरे से नंगे पैर, बट कौन लेके गया और क्यों लेके गया भाई, मेरे इतने महंगे जूते टपा दिए गाइस, अब नंगे पैर घूम रहा हूँ भाई। मंदिर में चोरी, जिसने भी मेरा जूता चुराया ना जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, सच्ची बता रहा हूँ। नंगे पैर कैसे जाऊंगा यार इतनी ठंड में, वहां तक हालत खराब हो जाएगी गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी बिग बॉस के ऊपर जो रोस्ट वीडियो अपलोड किए, वो वाला रोस्ट वीडियो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी एक कम्युनिटी पोस्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने लिखा है, तुम लोगों का प्यार है यार। जब ऐसे 3 महीने का प्रोजेक्ट होता है तब एंड तक बहुत नर्वसनेस होती, इसे प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाबी दिल गुलाबी दिल। बाकी आप लोगों को कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो रोडी शो में थारा भाई जोगिंदर का सिलेक्शन हो गया है, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए थारा भाई जोगिंदर कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने कुछ ये कहा। इतिहास रचने वाला हिंदुस्तान के अंदर, भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो रोडीज के अंदर थारा भाई जोगिंदर। और थैंक यू सो मच, हिंदुस्तान की पब्लिक को एक बात कहना चाहता हूँ। गरीब घर का लड़का जो अब से 2 साल पहले साइकिल पे आया था, जिसके पास खाने के लिए घर में रोटी तक नहीं थी 2 टाइम की, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिल रहा है आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों के प्यार के कारण। और एक प्रॉमिस कर रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर पहला रोडी शो होगा जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। मां कसम, हैंग होने वाली इंडस्ट्री बॉलीवुड की इस बार रियलिटी शो के मामले में। थारा भाई जोगिंदर, चल दिए भाई हम तो रोडी बनने के लिए, और हम रोडी बन के आएंगे, कोशिश करेंगे कि हम जीत गए। अगर नहीं भी जीत गए तो भी ट्रॉफी खींच लाएंगे अपनी तरफ। लेवल चेंज करने से लेवल चेंज होता है, हमने तो सिस्टम ही चेंज कर दिया। कभी उम्मीद नहीं थी, कभी सोचा नहीं था कि हम कभी ये दिन देख पाएंगे। स्कूलों में देखा करते थे रोडीज प्रिंस भाई को, देखा करते थे और बहुत कुछ देखा करते थे यार, कभी मतलब सोचा नहीं था अपन ने कि अपन भी कभी जाएगा इस शो में। पर अब अपन ने एक बात सोच लिया, रोडीज फाड़ के आना है, फाड़ के आना है। थैंक यू गाइस, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों का एहसान। नेक्स्ट न्यूज एल्विस यादव के बारे में। फाइनली एल्विस यादव के मेन चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है, उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने रिसेंट ब्लॉग में कुछ यह कहा। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉर मी, फॉर एनी बडी, फॉर एनी यूट्यूबर बहुत बड़ा माइल स्टोन है, बहुत मुश्किल से होता है। एक एक सब्सक्राइबर कैसे बढ़ता है हमें बता। सारे यूट्यूबर मेरे भाई हैं, जितने भी बड़े छोटे सारे भाई हैं, तो उनको पता होगी एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता तो कितनी खुशी होती है। एक आदमी तुम्हारे सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है, वो एक आदमी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी फैमिली में काउंट हो गया वो। 10 मिलियन, 1 करोड़, विश्वास सा नहीं हो रहा अपने ऊपर कि अरे 1 मिलियन 10 मिलियन हो गए अपने। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था 1 मिलियन भी होंगे, 1 लाख भी होंगे। 1 लाख 1.5 साल की मेहनत के बाद अपने 2200 सब्सक्राइबर हुए थे, आज देखो कृपा है भगवान की 10 मिलियन हो गए। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद भाई। एक तो बहुत प्यार करते हो तुम लोग यार, बहुत बहुत प्यार करते हो तुम लोग, मुझे पता है। मैंने क्या कुछ नहीं मांगा तुमसे भाई कि ये करा दो भाई, ये वो करा दो, चैनल पर सब्सक्राइब करा दो, वो करा दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और भाई तुमने बिना किसी स्वार्थ के, चलो एक तरफ से मान लो मेरा स्वार्थ है कि भाई मुझे लाइक ये चाहिए, व्यूज आ रहे हैं, ये वो मेरा स्वार्थ है, पर तुम्हारा स्वार्थ नहीं था। कोई नहीं भाई, सबसे जो भी मेरी पब्लिक देख रही है, जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है, सबको एक तो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक मिडिल क्लास बंदा सुपरस्टार है, चार्टर में घूम रहा है, 4 बड़ी कार है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।